हेलो एवरीवन, टारगेट पीतालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पे स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बेहद ज्वलंत मुद्दे पर विमर्श करने जा रहे हैं, जिसकी तालुकात भारतीय संविधान तथा राज व्यवस्था से है। आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 के दौर में भारतीय संविधान की, या फिर आप यूँ कह लें कोविड-19 के दौर में भारतीय संघवाद की स्थिति। कोविड-19 एंड इंडियन फेडरलिज्म, कोविड-19 और भारतीय संघवाद। जाहिर सी बात है, भारत सहित पूरा विश्व कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। जहां तक भारत में कोरोना संकट से निपटने का सवाल है, स्पष्ट होना चाहिए कि यह बहुत हद तक केंद्र राज्य संबंधों पर निर्भर करता है। निसंदेह हमने इस महामारी से निपटने के लिए काफी सकारात्मक प्रयास किए, अभी भी कर रहे हैं। तमाम अवसरों पर केंद्र तथा राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल भी देखी गई, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अवसर दिखे जहां केंद्र राज्य संबंधों के स्वरूप पर कहीं ना कहीं आलोचनात्मक चर्चाएं होनी प्रारंभ हुई। तमाम महकमों में लोग यह विमर्श करना शुरू कर दिए कि इस वैश्विक महामारी ने हमारे केंद्र राज्य संबंधों के स्वरूप पर कई तरह के सवालिया निशान लगाए हैं। आवश्यकता है केंद्र राज्य संबंधों की रूपरेखा में बदलाव लाया जाए। लोगों का यह भी कहना है कि संबंधों का जो वर्तमान स्वरूप है, यह इस महामारी से निपटने में उतना सार्थक नहीं हो सका जितना शायद हो सकता था। तो उन तमाम बिंदुओं को हम लोग टटोलने का प्रयास करेंगे, तलाशने का प्रयास करेंगे, जिसके आधार पर हम एक गुंजाइश व्यक्त कर सके, आशा व्यक्त कर सके कि अगर ऐसा होता तो शायद इस महामारी के दौर में हम और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। इसी वजह से मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है कोविड-19 एंड इंडियन फेडरलिज्म। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 ये कोई पहली ऐसी महामारी है, इस तरह की तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों से हमारा संघवाद गुजर चुका है। और जब कभी भी हमारे संघीय ढांचे के सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उस समय स्वाभाविक सी बात है यह चर्चा प्रारंभ हो जाती है कि संघीय ढांचे में अमुक बदलाव होने चाहिए, अमुक बदलाव होने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आवश्यक है इसके लिए कि सबसे पहले हम यह समझ लें कि भारतीय संघीय ढांचे का क्या तात्पर्य है, आखिर संघीय ढांचे का क्या अभिप्राय है, और फिर भारतीय संघीय ढांचे में संघ तथा इसकी इकाइयां यानी राज्यों दोनों के मध्य वर्तमान में किस तरह की तालमेल है, हमारा संविधान कैसी तालमेल की बात करता है, और बदलते समय के साथ बदलती परिस्थितियों के लिहाज से इसमें और क्या कुछ सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। कोविड-19 से आप सब लोग वाकिफ हैं, हम सभी अभी कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहे हैं। लंबे समय तक हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में रहे, अब धीरे धीरे चीजें अनलॉक हो रही है,
लोग घरों से निकलना प्रारंभ कर दिए हैं सुरक्षा के साथ, कुछ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, हालांकि उनसे भी अपेक्षा की जाती है कि वे लापरवाही ना बरतें, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उतनी केसेस नहीं थी, अब केसेस तेजी से बढ़ रही हैं। और जब पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में था और सरकारें इस महामारी से निपटने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही थी, निसंदेह सभी राज्य सरकारें साथ साथ केंद्र सरकार भी, तो उस प्रयास के दौरान कई दफा विवादास्पद स्थितियां निकल कर आई केंद्र राज्य संबंधों को लेकर। तमाम अवसरों पर राज्यों ने केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र अपनी नीतियां हमारे ऊपर थोप रहा है, जबकि किसी भी महामारी की स्थिति में जो फर्स्ट सफरर होते हैं, सबसे पहले जो महामारी को झेलने वाले होते हैं, वो मुख्यतः राज्य ही होते हैं। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में या मध्य प्रदेश प्रांत में कोई महामारी फैलती है, तो सबसे पहले उसको एड्रेस करने के लिए कौन आएगा? जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश प्रशासन, मध्य प्रदेश की सरकार, उसके बाद बात केंद्र तक जाएगी। तो निसंदेह चुनौती का सामना सबसे पहले राज्यों को करनी है, तो राज्यों को शक्तियां भी दी जानी चाहिए, उन्हें उतनी शक्तियां दी जानी चाहिए, पावर्स दिए जाने चाहिए, जिससे तात्कालिक परिस्थितियों से वो निपट सके, और उसके बाद केंद्र को जो प्रयास करना है करे। लेकिन यहां पर देखा गया कि लोकल कंडीशन में भी राज्यों को केंद्र के निर्देशों के अनुसार चलना पड़ा, और फिर यह चर्चा शुरू हो गई कि यह हमारी संघीय व्यवस्था की खामी है। अगर हमारी संघीय व्यवस्था, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर, राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करता, रिक्विजिट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता, तो शायद हम और इफेक्टिवली इस बीमारी से लड़ पाते या लड़ रहे होते। तो जाहिर सी बात है, जब केंद्र अगर ग्रेटर राज्य अगर ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड करेंगे, तो वैसे में हम कह सकते हैं कि हमारे संघीय ढांचे में कहीं ना कहीं बदलाव की उम्मीदें पाली जा रही है राज्यों के द्वारा। तो देखेंगे कि क्या इस तरह का बदलाव किया जाना जिसकी अपेक्षा की जा रही है उचित होगा, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट से तालमेल रखेगा, संविधान की मूल भावना से तालमेल रखेगा। इन सब बातों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम सबसे पहले भारतीय संघात्मक ढांचे का स्वरूप समझ लें, और फिर जो वर्तमान में डिमांड की जा रही है, इस डिमांड की आड़ में हम उसका परीक्षण करेंगे, और फाइनली मुझे उम्मीद है आप स्वतः निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस टॉपिक का जो प्रथम पहलू होगा जिसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है भारतीय संघवाद का स्वरूप या भारतीय संघीय ढांचे का स्वरूप। भारतीय संघात्मक ढांचे का स्वरूप जो दूसरा पहलू होगा भारतीय संघात्मक ढांचे के तहत केंद्र राज्य संबंधों की रूपरेखा है ना। आपदाकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए व्याप्त कानून, मींस क्या ऐसा कोई कानून है जो आपदाकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए
केंद्र राज्य संबंधों को कुछ निर्देशित करता है उस पर बात करेंगे। मेरा इशारा सीधे सीधे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से है, इसकी रोशनी में हम लोग तीसरे पहलू पर विमर्श करेंगे। चौथा पहलू, कोविड 19 के दौर में राज्यों द्वारा संघीय ढांचे के तहत अधिक स्वायत्तता की मांग है ना, ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग, तो ये चार पहलू होंगे जिनके आधार पे हम लोग कोविड 19 रूपी वैश्विक महामारी के दौर में भारतीय संघीय ढांचे का परीक्षण करेंगे। क्लियर है, आप इसे देख सकते हैं चारों पहलू। जैसे ही इन चारों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ये पूरी तरह से टॉपिक आपका अपना टॉपिक हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूं फिर सेट नंबर 1, भारतीय संघात्मक ढांचे का स्वरूप। भारतीय संघात्मक ढांचे का स्वरूप समझने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि संघात्मक ढांचे क्या होते हैं। संघात्मक ढांचा से क्या तात्पर्य है, आपको बताऊं। संघात्मकता एक प्रकार की, आप कह सकते हैं, राजव्यवस्था की प्रकृति है। राजव्यवस्था की प्रकृति, राजव्यवस्था की एक ऐसी प्रकृति जो शासनिक प्रशासनिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर बल देती है ना। तो राजव्यवस्था की ऐसी प्रकृति जो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण पर बल देती है। ये केवल भारतीय संघात्मक ढांचे की ही बात नहीं है, विश्व व्यवस्था में जहां कहीं भी आपको राजव्यवस्था का संघात्मक स्वरूप देखने को मिलेगा, तय मानिए उस देश के अंदर शासनिक प्रशासनिक क्षेत्र में डिसेंट्रलाइजेशन आपको जरूर दिखेगा, विकेंद्रीयकरण आप जरूर महसूस कर सकेंगे। अब देखिए, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को हासिल करने के लिए कुछ आवश्यक बिंदुओं पर बल दिया जाता है, और वे आवश्यक बिंदु क्या है, उस राजव्यवस्था में, उस शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में शक्तियों के विभाजन की संकल्पना होती है, शक्तियों का विभाजन है ना, लिखित संविधान का होना, लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता की अवधारणा, संविधान में कठोरता का अंश होना, कठोरता का अंश होना, न्यायिक अधिकारिता
द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका इत्यादि। तो देख रहे हैं, संघात्मक ढांचा मतलब राज व्यवस्था का एक स्वरूप। राज व्यवस्था के अन्य भी स्वरूप हो सकते हैं, एकात्मक स्वरूप हो सकता है, अर्धसंघात्मक स्वरूप हो सकता है ना। तो जाहिर सी बात है, एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक, इन विभिन्न स्वरूपों में से एक स्वरूप संघात्मक है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, संघात्मक ढांचा। संघात्मक ढांचा की पहचान क्या है, या राज व्यवस्था के संघात्मक स्वरूप से क्या अभिप्राय है? तो आप यही कहेंगे कि यह राज व्यवस्था का ऐसा स्वरूप है जो देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर विकेंद्रीयकरण के भाव को बढ़ावा देता है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को रेफर करता है। और शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में डिसेंट्रलाइजेशन को ऑब्जर्व करने के लिए, विकेंद्रीकरण को हासिल करने के लिए, उस राज्य व्यवस्था में इन तमाम प्रावधानों को एक तरह से समावेशित किया गया होता है, जिसमें एक प्रावधान है शक्तियों का विभाजन, यानी संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य डिवीजन ऑफ पावर शामिल होगा, शक्तियां विभाजित होंगी। दूसरा, देश का संविधान हर हाल में लिखित होगा। अगर देश का संविधान अलिखित है तो तय मानिए वहां पर राज व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो लिखित संविधान का होना। दूसरी बात, संविधान की सर्वोच्चता की अवधारणा। संविधान की सर्वोच्चता का तात्पर्य है कि संघ तथा उसकी इकाइयों के स्तर पर जो मौजूद सरकारें हैं, उन सरकारों की शक्तियों का स्रोत संविधान होगा। कोई भी सरकार संविधान में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकती। संविधान उन्हें जितनी शक्तियां देता है, उन्हीं शक्तियों की परिधि में रहते हुए वे राज व्यवस्था के संचालन को सुनिश्चित करेंगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हर स्तर पर मौजूद सरकारों के लिए संविधान बाध्यकारी होगा, और संविधान की इसी बाध्यकारिता को संविधान की सर्वोच्चता करार दिया जाता है, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे संविधान में कठोरता का अंश होना। जाहिर सी बात है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को नियंत्रित करने के लिए संविधान में कठोरता के अंश डाले जाते हैं। कहने का मतलब कि संविधान में कुछ प्रावधान अनम्य प्रकृति के भी होने चाहिए। अनम्य प्रकृति के संवैधानिक प्रावधानों से तात्पर्य उन प्रावधानों से है जिनकी संशोधन प्रक्रिया जटिल होती है, जिन्हें आप बेहद आसानी से संशोधित नहीं कर सकते, है ना। इसके अलावा न्यायिक अधिकारिता या अदालती अधिकारिता, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स के तहत यह कहा जाता है कि संविधान के प्रावधानों का जो मुख्य विश्लेषणकर्ता होगा, या संविधान के प्रावधानों के विश्लेषण का जो दायित्व होगा, वह न्यायपालिका के ऊपर होगा। विधायिका या कार्यपालिका संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण नहीं कर सकती। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी संविधान के किसी भी प्रोविजन को इंटरप्रेट करना है, उस पर अपनी इंटरप्रिटेशन देना है, तो इंटरप्रिटेशन देने का अधिकार न्यायपालिका के पास होगा, सरकार के किसी दूसरे अंग के पास नहीं होगा, यानी विधायिका या कार्यपालिका के पास नहीं होगा। दूसरी बात, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों को लेकर अगर कोई गतिरोधात्मक स्थिति पैदा होती है, कोई डेडलॉक टाइप सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए मध्यस्थकर्ता की जिम्मेदारी अगेन न्यायपालिका के पास जाएगी। ये मैं एक होलिस्टिक स्वरूप में आपसे बात कर रहा हूं। भारत के अंदर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट की क्या संकल्पना है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं जनरल कंटेक्स्ट में केवल न्यायपालिका शब्द को कोट कर रहा हूं। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो केंद्र राज्य संबंधों में किसी भी विवाद से निपटने के लिए, या फिर किसी भी विवाद को रिजॉल्व करने के लिए जो अधिकारिता है, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायपालिका का ही तो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर जनरल कंटेक्स्ट में आप कहें न्यायिक अधिकारिता का क्या मतलब होगा, तो दो संदर्भों में इसका मतलब निकाला जाता है। पहला संदर्भ है, न्यायपालिका ही संविधान के प्रावधानों का विश्लेषण करेगी। दूसरा, न्यायपालिका ही
केंद्र तथा राज्यों के मध्य उत्पन्न किसी भी तरह के विवाद को निपटाने के लिए आर्बिट्रेटर की भूमिका में होगी, मध्यस्थकर्ता की भूमिका में होगी। इसी को बोला गया न्यायालयी प्राधिकारिता या न्यायिक प्राधिकारिता, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। अगली बात, जहां कहीं भी आपको संघात्मक ढांचा दिखेगा, तय मानिए जो केंद्रीय विधायिका है, जो यूनियन लेजिस्लेचर है, उसके टू हाउसेस होंगे ही होंगे। जैसे भारत में संघात्मक ढांचा है, राज्य व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप है, तो आप देख लीजिए भारत की केंद्रीय विधायिका, भारत की केंद्रीय विधायिका बेसिकली भारत की संसद को कहते हैं, और भारत की संसद के कितने सदन हैं? दो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा। यानी भारतीय संघीय ढांचे के मुताबिक केंद्रीय विधायिका को बाई कैमरल से आप यूनी कैमरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। जिस तरह से लोकसभा आवश्यक है, ठीक उसी तरह राज्यसभा भी आवश्यक है। राज्यों के साथ ऐसा नहीं होता। भारत में सामान्यतः राज्य विधानमंडल एकात्मक ही है, कुछ एक राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो, जैसे यूपी बिहार है ना, आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, इन कुछ एक राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर है, लेकिन यह मैंडेटरी नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 कहता है कि किसी राज्य विधानमंडल में विधान परिषद का होना या नहीं होना राज्य विधानसभा की अनुशंसा पर भारत की संसद के ऊपर निर्भर करता है। यानी भारत की संसद अगर चाहे तो किसी भी राज्य के अंदर एक सदनीय विधायिका को द्विसदनीय विधायिका में तब्दील कर सकती है, द्विसदनीय विधायिका को एक सदनीय विधायिका में तब्दील कर सकती है। ध्यान रहे, भारत की संसद ऐसा निर्णय संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर लेती है, और संबंधित राज्य की विधानसभा विधान परिषद के होने या नहीं होने को लेकर, होने का मतलब कि मान लीजिए पहले से विधान परिषद नहीं है, नई विधान परिषद गठित होनी है, दूसरा न होने का मतलब, होने का मतलब, और नहीं होने का मतलब कि मान लीजिए पहले से विधान परिषद है लेकिन राज्य विधानसभा चाह रही है कि अब हमारे राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है, यह कहीं ना कहीं बर्डन साबित हो रही है, इसको हटाया जाए, विधान परिषद को खत्म किया जाए, तो उस हेतु विधानसभा में एक संकल्प पारित किया जाएगा। वह संकल्प अनुच्छेद 368 के तहत इस्तेमाल की जाने वाली विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाएगा, और फिर पारित होने के बाद उसे भारत की संसद के पास प्रेषित कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, जहां संसद साधारण बहुमत से निर्णय लेते हुए संकल्प में जैसी राय व्यक्त की गई होगी वैसा निर्णय ले लेगी। अगर संकल्प में राज्य विधानसभा द्वारा यह राय व्यक्त की गई है कि विधान परिषद को खत्म कर दिया जाए तो भारतीय संसद उसे खत्म कर सकती है। अगर विधानसभा द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा यह राय व्यक्त की गई है कि नई विधान परिषद गठित की जानी है तो ऐसे स्थिति में भारतीय संसद नई विधान परिषद गठित करने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। हालांकि यह ध्यान रहे, विधानसभा द्वारा की गई अनुशंसा भारत की संसद पर बाध्यकारी नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर, या फिर आप यो कह लीजिए कि भारतीय संघात्मक राज्य व्यवस्था के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था का जो प्रावधान है, यह आवश्यक रूप से केंद्रीय विधायिका के ऊपर लागू होता है, राज्य स्तरीय विधायिका के ऊपर लागू नहीं होता। राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केंद्रीय विधानमंडल जिसे भारत की संसद कहते हैं, इसे हर हाल में द्विसदनीय यानी बाई कैमरल बने रहना होगा, क्योंकि यह संघात्मकता का एक अभिन्न पहलू है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जहां कहीं भी संघात्मक ढांचा आपको देखने को मिलेगा, वहां ये सारे इंपेरेटिव्स आप देखेंगे, शक्तियों के विभाजन की संकल्पना, लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता की अवधारणा है ना, संविधान में कठोरता का अंश होना, न्यायिक अधिकारिता होना, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, साथ ही साथ द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका। अब जाहिर सी बात है,
किसी न किसी रूप में ये सारे पहलू आपको भारतीय राज व्यवस्था के अंदर देखने को मिलते हैं। और यही सारे पहलू हमें बड़ी आसानी से यह बतला देते हैं कि भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। संघात्मक है, संघात्मक है। अब देखिए, राज व्यवस्था का संघात्मक ढांचा थोड़े मोड़े बदलाव के साथ तीन अलग अलग स्वरूप हासिल कर सकता है। राज व्यवस्था का संघात्मक ढांचा थोड़े बदलाव के साथ, हालांकि एसेंस एक जैसा होगा, उनके निहितार्थ एक जैसे होंगे, स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव होगा। तो संघात्मक ढांचा जहां भी देखेंगे, संभव है वो यूनियन प्रकार का हो, संभव है वो फेडरेशन हो, यह भी संभव है कि वो कॉन्फेडरेशन हो। कॉन्फेडरेशन यूनियन को हम लोग, चूंकि अंग्रेजी को ही मैं हिंदी में लिख दिया हूं, यूनियन को अगर हिंदी में रूपांतरित करेंगे तो जैसा एग्जाम में ट्रांसलेशन किया जाता है उसके अनुरूप देखें तो यूनियन के लिए संघ लिखा जाता है, संघ। फेडरेशन के लिए परिसंघ और कॉन्फेडरेशन के लिए महासंघ, महासंघ। हालांकि इन ट्रांसलेशंस को लेकर तमाम तरह के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे अगर इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप यूनियन फेडरेशन व कॉन्फेडरेशन का मतलब निकालना चाहे तो हो सकता है ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची बना दिए जाएं, सिनोनिम्स बना दिए जाएं और तीनों का ही मतलब संभव है संघ बोल दिया जाए इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। यह भी संभव है कि तीनों का जो मतलब होगा परिसंघ हो सकता है, तीनों का मतलब महासंघ हो सकता है ना। लेकिन परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के अंदर जब इन टर्म्स का इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में यूनियन फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन के रूप में, तो आपको बताऊं उसका हिंदी अनुवाद इसी रूप में होता है, यूनियन के करेस्पॉन्डिंग संघ, फेडरेशन के करेस्पॉन्डिंग परिसंघ और कॉन्फेडरेशन के करेस्पॉन्डिंग महासंघ। क्लियर है? यही तीन स्वरूप होते हैं संघात्मक ढांचे के। यानी अगर मान लीजिए कि एक्स वाई जेड तीन अलग अलग देश हैं और मैं कहूं कि तीनों देशों की राज व्यवस्था की प्रकृति संघात्मक है, फेडरल है, तो आपको इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि ठीक है चलो मान लिया फेडरल है, लेकिन किस तरह का फेडरल स्वरूप है, यूनियन तरह का, फेडरेशन तरह का या कॉन्फेडरेशन तरह का, किस तरह का, यह जरूर जानना चाहिए, है ना। क्योंकि इसी के बाद में भारतीय संघात्मकता पर मूव करूंगा, तो जरूरी है भारतीय संघात्मकता पर स्विच करने से पहले संघात्मक ढांचे के तीनों स्वरूपों पर एक संक्षेप में ही सही थोड़ी जानकारी हमें हासिल कर लेनी चाहिए। तो देखिए, जहां कहीं भी संघात्मक ढांचा होगा, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि एक्स वाई तथा जेड इन तीनों देशों में संघात्मक ढांचा है, अभी मैं केवल संघात्मक की बात कर रहा हूं, संघात्मक के अलग अलग स्वरूपों की बात नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, अगर संघात्मक ढांचा है तो जाहिर सी बात है डिवीजन ऑफ पावर होगा, जो अभी अभी हिंदी में लिखा था मैं पिछले पेज पे, देख रहे हैं ये सारे कुछ, इसको मैं शॉर्ट में फटाफट अंग्रेजी में लिख देता हूं, डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलेगा जिसको शक्तियों का विभाजन कहते हैं, लिखित संविधान दिखेगा आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता दिखेगी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावे रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, संविधान में कठोरता या अनम्यता का अंश देखने को मिलेगा। इसके अलावे आपको न्यायिक प्राधिकारिता का आभास होगा, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। इसके अलावे बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, तो बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका, बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर। क्लियर है? अब सोचो
कोई कहा कि एक्स के अंदर राज व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप है, तो तय मानिए ये सारी बातें एक्स की राज व्यवस्था में देखने को मिलेगी। देश वाई की राज व्यवस्था का स्वरूप भी संघात्मक है, तो अगेन ये सारी चीजें कॉमन चीजें आपको वाई के अंदर भी देखने को मिलेगा। अगर कोई कहे कि देखो जेड एक देश है तथा इस देश की राज व्यवस्था की प्रकृति अगेन संघात्मक है, फेडरल है, लिहाजा यहां भी आपको ये सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि एक्स वाई जेड जहां संघात्मक ढांचा है, तीनों ही देशों में संघात्मक ढांचा है, आखिर संघात्मकता का कौन सा स्वरूप है? संघीय स्वरूप है, परिसंघीय स्वरूप है या महासंघीय स्वरूप है? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी देश की राज व्यवस्था की प्रकृति चाहे संघीय हो, चाहे परिसंघीय हो, चाहे महासंघीय हो, उभयनिष्ठ रूप में ये सारी बातें संबंधित देशों की राज व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यूनियन भी फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरेशन भी फेडरल स्ट्रक्चर है, कॉन्फेडरेशन भी फेडरल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अब थोड़ा सा बस ये समझ लीजिए कि यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में क्या फर्क है, और इसको समझने के साथ सीधे हम लोग भारत में पाए जाने वाले फेडरल स्ट्रक्चर पे मूव करेंगे, और फिर उस फेडरल स्ट्रक्चर की क्या कुछ डिमांड होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे, और फिर बाद में कोविड 19 रूपी वैश्विक महामारी के इस दौर में इस संघीय ढांचे को लेकर किस तरह के सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, किस तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, उसका भी हम लोग अवलोकन करेंगे। इमोशनल होकर बात नहीं करेंगे, संविधान की आड़ में बात करेंगे। हमारा संविधान क्या चाहता है, हमारा संविधान हमारे संघीय ढांचे से क्या अपेक्षा करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन यानी संघ, फेडरेशन यानी परिसंघ, कॉन्फेडरेशन यानी महासंघ। केवल अंग्रेजी में टर्म लिख देने से आप परेशान नहीं होंगे, है ना? कई दफा आप लोगों को यह लगने लगता है कि इंग्लिश में लिख दिया गया तो पता नहीं बहुत सारी ज्यादती कर दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आपको जानना भी चाहिए, कम से कम टर्मिनोलॉजीज तो आपको मालूम होनी चाहिए अंग्रेजी में, इससे एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको सहूलियत मिलती है प्रश्नों की समझ विकसित करने के लिए। एनीवे, संघ, परिसंघ, महासंघ तीनों फेडरल स्ट्रक्चर के स्वरूप है। जाहिर सी बात है तीनों के साथ जो उभयनिष्ठ बातें हैं आपको मैं बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। देखिए, इन तीनों स्वरूपों में जो मुख्य विभेद होता है वो मूलतः शक्तियों के विभाजन की संकल्पना पर संचालित होता है, डिवीजन ऑफ पावर। देखो, चूंकि तीनों फेडरल स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है यूनियन प्रकार के फेडरल स्ट्रक्चर में भी आपको डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलेगा, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। फेडरेशन के अंदर भी आपको डिवीजन ऑफ पावर दिखेगा, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। कॉन्फेडरेशन यानी महासंघ के अंदर भी आपको दिखेगा शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। और ये जो पावर डिवीजन है ये किसके मध्य होता है? देश की राज व्यवस्था के अंदर मौजूद सरकारों के मध्य, सरकारों के मध्य। जैसे भारत में अगर देखें तो कितने स्तर पे सरकारें हैं भाई? अगर औपचारिक रूप से देखा जाए तो केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारें, और थोड़ा अनौपचारिक हो लिया जाए तो एक तीसरे प्रकार की भी सरकार देख लेंगे, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। हालांकि लोकल गवर्नमेंट सीधे सीधे स्टेट लिस्ट से संबंधित मुद्दा है, तो हम लोग बेसिकली केवल व केवल राज्यों को संघ की इकाई का दर्जा देते हैं।
तो संघ की इकाई के रूप में केवल राज्य हैं, और जो संघ की इकाई होते हैं वही संघ के साथ शक्तियां साझा करते हैं औपचारिक अर्थों में। और अगर थोड़ा अनौपचारिक हो लिया जाए तो जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच भी शक्तियां साझा होती है। एनीवे, सेंटर और स्टेट्स के बीच शक्तियों का विभाजन होगा केंद्र तथा राज्यों के मध्य, यहां भी सेंटर एंड स्टेट्स के मध्य, यहां भी सेंटर एंड स्टेट्स के मध्य। देख रहे हैं यहां तक कॉमन है, यूनियन फेडरेशन कॉन्फेडरेशन तीनों ही कंडीशन में। अनकॉमननेस कहां आती है, डिस्टिंक्टनेस कहां आती है? जहां कहीं भी यूनियन प्रकार का फेडरल स्ट्रक्चर होगा हमेशा याद रखेंगे सेंटर के पास राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तियां होंगी, यानी संघ के पास उसकी इकाइयों की तुलना में व्यापक शक्तियां होंगी, यानी केंद्र मजबूत होगा संघ की इकाइयां यानी राज्य कमजोर होंगे। ये बेसिकली यूनियन रूपी फेडरल स्ट्रक्चर का स्वरूप ही ऐसा होता है। दूसरी बात, जहां कहीं भी आपको फेडरेशन देखने को मिलेगा परिसंघ, वहां भी सेंटर स्टेट के बीच शक्तियों का विभाजन होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा, बट यहां मिला जुला के सेंटर और स्टेट्स ये दोनों लगभग लगभग इक्वल फुटिंग पर होते हैं, बराबर की स्थिति में। यानी इतना तय हो गया कि सेंटर और स्टेट्स दोनों को बराबर बराबर शक्तियां मिलती हैं। अब जाहिर सी बात है हम लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, मानविकी साइंस तो है नहीं कि डिग्री ऑफ प्रेसिशन तराजू लेके तौलने लगे कि कैसे बराबर, अरे थोड़ा मोड़ा विभेद हो सकता है लेकिन उसको हम लोग लगभग बराबर मानते हैं, है ना। तो हियर सेंटर एंड स्टेट्स दे ऑल आर केप्ट ऑन इक्वल फुटिंग, जबकि कॉन्फेडरेशन में सेंटर स्टेट्स के बीच यानी संघ तथा उसकी इकाइयों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होगा ये बिल्कुल यूनियन से अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट? यहां पर सेंटर की तुलना में राज्य मजबूत होते हैं, केंद्र की तुलना में राज्य मजबूत होंगे, है ना। अब अगर कोई कहे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कि भारत में संघात्मकता का कौन सा स्वरूप है, तो आपका जवाब क्या होगा? भारत में संघात्मकता का कौन सा स्वरूप है? यूनियन स्वरूप है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यानी भारतीय संविधान के भाग एक के अनुच्छेद एक से मिलती है। यानी आर्टिकल वन ऑफ पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अस नो दैट ऑर्स हैव यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर। क्या लिखा हुआ है इसमें? इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, और इसको अंग्रेजी में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी, ध्यान रखना शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन की जो टेक्स्ट है उसमें हर एक टर्म के अपने निहितार्थ हैं, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी भारत राज्यों का संघ होगा, हर हाल में संघ होगा। जो शैल का इस्तेमाल किया गया है ये कहीं ना कहीं इस बात पर बल दिया गया है संविधान के द्वारा। तो एक बात तो तय हो गया कि हम जिस फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाए हैं उसका नाम है यूनियन, यूनियन, और इस फेडरल स्ट्रक्चर में हम कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं, क्योंकि भारतीय संघवाद का जो स्वरूप है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में भी अगर बात करें तो यह बता दिया गया है कि यह भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। इस एक एक बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी की बुनियाद में
हम लोग इस टॉपिक को समअप करेंगे, कंक्लूड करेंगे, और अगर ये सब चीजें नहीं होगी तो फिर हवा हवाई वही कोविड फोविड करके निकल लेंगे, कोई मतलब नहीं बनता उसका, क्योंकि आपको मूल अवधारणा समझनी होगी, नहीं तो फिर वही जिसको जो मर्जी वही कमेंट करके निकल लेगा। अब जैसे आज तमाम लोग आप कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि भारतीय राज व्यवस्था का जो स्वरूप है ठीक नहीं है, इसमें बदलाव होना चाहिए, और क्या कहेंगे, राज्यों को अधिक से अधिक स्वायत्ता दीजिए, राज्यों को अधिक से अधिक मजबूत बनाइए, अधिक से अधिक मजबूत बना के मैं कह रहा हूं कि अगर यूनियन को फेडरेशन में शिफ्ट कर दिया जाए, कहने का मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों को बराबर की स्थिति में ला दिया जाए, तो यह भी हमारी राज व्यवस्था की प्रकृति के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि हमारी राज व्यवस्था की प्रकृति को लेकर संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा था, वो यही सोचा था कि भारत का जो संघात्मक स्वरूप होगा वो बेसिकली यूनियन प्रकार का होगा, संघीय प्रकार का होगा, और संघीय प्रकार का होगा से तात्पर्य है कि केंद्र सदैव राज्यों की तुलना में मजबूत स्थिति में होगा। अगर केंद्र के समानांतर राज्यों को खड़ा कर दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि राज व्यवस्था की प्रकृति से संबंधित जो हमारे संविधान निर्माताओं की मूल सोच रही थी, हम उसी पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाने जा रहे हैं? ये तो संविधान को पुनर्लिखित करने जैसा हो जाएगा, रीराइट करने जैसा हो जाएगा। संविधान निर्माताओं की मनः स्थिति का ध्यान रखते हुए ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति को, कैसी प्रकृति, यूनियन प्रकार की, संघीय ढांचे को कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे से कनेक्ट करके देखा और कहा कि भारत की संघात्मकता भारतीय संविधान की आधारभूत ढांचा है। और ध्यान रखेंगे, कोई भी सरकार, संसद, संविधान के चाहे किसी भी प्रावधान में संशोधन कर ले, उन प्रावधानों में कतई संशोधन नहीं कर सकती जिन्हें संविधान के आधारभूत ढांचे से जोड़कर देखा जाता है। यह कहीं ना कहीं संसद के लिए भी संभव नहीं है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि हमेशा यही बात क्यों की जाती है कि राज्यों को केंद्र के बराबर ला दिया जाए, उसके लिए राज्य डिजर्व भी तो करने चाहिए। राज्यों को केंद्र के बराबर लाने का मतलब सीधे हो गया कि हम यूनियन से फिसल के फेडरेशन की बात कर रहे हैं, परिसंघ की बात कर रहे हैं, जहां सेंटर और स्टेट दोनों को बराबर की शक्तियां मिलेगी, अमेरिकी मॉडल ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अमेरिका में पाए जाने वाले संघात्मक ढांचे की बात कर रहे हैं, यानी हम परिसंघ की तरफ जाना चाहते हैं। परिसंघ की तरफ जाने का मतलब कि एक ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में वैधानिक समझौते के माध्यम से बना हो। यहां फेडरेशन के अंदर, परिसंघ के अंदर, सेंटर और स्टेट्स को आप जो बराबर की स्थिति में रखे हैं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड में रखे हैं, दोनों के बीच जो बराबर बराबर शक्तियां साझा की जा रही है, ये बेसिकली लीगल एग्रीमेंट पर टिकी हुई है, वैधानिक समझौते पर। आपको बताऊं, यूनियन के अंदर किसी भी तरह के लीगल एग्रीमेंट की बात नहीं होती, यानी जहां यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर होगा वहां पर सेंटर स्टेट के अंदर या सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को संचालित करने के लिए दोनों के मध्य यानी केंद्र तथा राज्यों के मध्य कोई वैधानिक समझौते नहीं होते हैं, जबकि यहां पर होते हैं। तो आप राज्यों को केंद्र के समतुल्य लाने की बात जब भी करेंगे, इसका मतलब कि किसी न किसी लीगल अग्रीमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो इन्हें बराबर नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमेशा क्या करता है, केंद्र को मजबूत स्थिति में रखता है और राज्यों को अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं केंद्र पर निर्भर रहने की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि जब कभी भी यह मांग की जाती है कि नहीं केंद्र को बराबर की स्वायत्ता दी जाए, यह मांग उचित नहीं है। हां, राज्यों की स्वायत्ता बढ़ा दी जाए, या फिर आप यूं कह लीजिए कि केंद्र द्वारा राज्यों के प्रति जो सहयोग करने की डिग्री है उस डिग्री को बढ़ा दिया जाए, यानी केंद्र राज्यों को पहले की तुलना में अधिक सहयोग दे, जिससे राज्य अधिकाधिक आत्मनिर्भर हो सके, इसमें कोई बुराई नहीं है। यह तो यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर की खूबसूरती है, क्योंकि जहां दो असमान लोग होंगे
वहां मजबूत व्यक्ति से अक्सर अपेक्षा की जाएगी कि कमजोर की सहायता करें। भारतीय संविधान भी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर केंद्र राज्य संबंधों के लिहाज से अक्सर केंद्र से यह अपेक्षा करता है कि वह राज्यों के प्रति सहयोगात्मक बना रहे। तभी यह कहा जाता है कि यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर की सफलता की जो बुनियाद होती है वो इसके सहकारी होने पर निर्भर करती है, इसकी सहकारिता पर निर्भर करती है। आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद की अवधारणा, है ना। एनीवे, तो चलिए इतना तो हम समझ गए कि हम यूनियन टाइप स्ट्रक्चर से डेविएट नहीं कर सकते। यानी मिलाजुला के लबो लुआब यही है कि चाहे राज्य को हम कितनी भी स्वायत्तता दे दे, कितनी भी छूट दे दे, उसे कितना भी अधिक से अधिक सहयोग करना शुरू कर दे, निष्कर्षता हमेशा हम यही पाएंगे कि अगेन केंद्र मजबूत स्थिति में है, राज्य उससे कमजोर स्थिति में है। क्योंकि हमारा संघीय स्वरूप किसी वैधानिकता की बुनियाद पर नहीं टिका है। केंद्र को इतनी शक्तियां दे दी गई है संविधान के द्वारा कि वह जब चाहे किसी भी राज्य के स्वरूप को बदल सकता है, जब चाहे किसी भी राज्य को मिटा सकता है, किसी भी नए राज्य को पैदा कर सकता है। राज्यों का कुछ नहीं। तो अब हम इतना समझ गए कि जब कभी भी भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे, यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर। यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर कहां पाया जाता है, हमारे यहां भारत में। भारत ने यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर की नकल कहां से की है, कैनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा से। क्योंकि जब हमारे संविधान निर्माता भारतीय संविधान का सृजन कर रहे थे तब उनके सामने संघात्मकता को लेकर तमाम विकल्प खुले थे। अमेरिकी संविधान था जो फेडरल है, फेडरेशन प्रकार का फेडरल स्ट्रक्चर। ऑस्ट्रेलियाई संविधान था, कनाडियाई संविधान था, लेकिन हमारे संविधान निर्माता किसके साथ गए, किस मॉडल पर भारत के अंदर संघात्मकता को अपनाए, जाहिर सी बात है कनाडियाई मॉडल पर हमारे देश के अंदर संघात्मकता को अपनाया गया। और कनाडियाई मॉडल किस बात की बात करता है, क्या कहता है, कनाडियाई मॉडल कहता है कि संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों के विभाजन को अंजाम देते वक्त केंद्र को अधिकाधिक शक्तियां देनी होगी, राज्यों को कम। ऐसा इसलिए ताकि राज्य सदैव केंद्र के प्रति निष्ठावान बने रहे, राज्य कभी भी केंद्र के प्रति बागी रवैया ना अपना सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने समझा, सोचा कि भारत एक विविधता मूलक देश है और इस विविधता मूलक देश में देश के भिन्न भिन्न कोनों में रहने वाले लोगों के मन मस्तिष्क में भिन्न भिन्न प्रकार की क्षेत्रीय आकांक्षाएं पल बढ़ रही होती है। और यह भी संभव है कि हो सकता है हमारे देश की भविष्य की सरकारें समेकित रूप से सभी हिंदुस्तानियों के क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण न कर सके। हो सकता है देश के किसी कोने में वहां की प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से सरकार की योजनाओं का अपेक्षित लाभ न पहुंच सके। वैसे में रीजनल एस्पिरेशंस, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अनापूर्ति की वजह से कहीं लोग बागी ना हो जाए, विरोधी ना हो जाए, और अगर विरोधी होंगे तो जाहिर सी बात है देश की एकता व अखंडता को चुनौती मिलेगी। तब संविधान निर्माताओं ने सोचा कि नहीं जी, चाहे जो भी हो, हम अपने देश की एकता व अखंडता पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। इसके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि केंद्र को अधिक से अधिक शक्तिशाली बना दो, राज्य को पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर बना दो। शक्तियों का विभाजन होगा
लेकिन कुछ इस तरीके से होगा कि राज्य अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए हर हमेशा केंद्र की तरफ देखता रहे। अब अगर मान लीजिए कि आप अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए किसी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे, क्या उसके साथ कभी भी आप विरोधी रुख अपना सकते हैं? नहीं अपना सकते, तो वैसे में डिसइंटीग्रेशन जैसी कोई संभावना ही नहीं बनती। संविधान सभा में यह भी बात उठी थी कि चलिए जब डिसइंटीग्रेशन से इतना डर है, विघटन से इतना भय है, तो फेडरेशन अपना लेते हैं अमेरिकी मॉडल पे, वहां केंद्र राज्य दोनों बराबर की स्थिति में रहेंगे, न्यायोचित तरीका है और लीगल एग्रीमेंट के माध्यम से सेंटर स्टेट रिलेशनशिप डिफाइन होगा, इससे उस कहीं ना कहीं वैधानिक समझौते में बंधे रहेंगे, अलग नहीं होंगे, डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि फेडरेशन में भी डिसइंटीग्रेशन संभव नहीं है, क्योंकि वैधानिकता ऐसा करने से रोकेगी। तब संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने साफ साफ कहा था कि माना कि भारतीय संघात्मकता के अंदर संघ के विघटन को फेडरेशन के माध्यम से हम रोक पाएंगे, लीगल एग्रीमेंट के द्वारा रोक पाएंगे, लेकिन जरा सोचिए सेंटर और स्टेट के बीच किसी योजना के क्रियान्वयन को लेकर अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो फिर वो कैसे दूर होगा? जब दो बराबर के लोग किसी मुद्दे को लेकर गतिरोधात्मक स्थिति में आ जाएं, तो संभव है वह गतिरोध लंबे समय तक बना रहेगा। अगर मान लीजिए दो में गतिरोध उत्पन्न हुआ, एक कमजोर है दूसरा मजबूत है, तो यह गतिरोध बहुत हद तक मायने नहीं रखेगा, मजबूत अपनी बात करा ले जाएगा, मनवा ले जाएगा, लेकिन अगर दोनों बराबर की स्थिति में हो तो आपको नहीं लगता कि गतिरोध लंबे समय तक जारी रहेगा? और देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर दीर्घकालिक गतिरोध कहीं ना कहीं राज्य व्यवस्था के संचालन को हैम्पर करेंगे, बाधित करेंगे, इसलिए बेहतर होगा यूनियन के साथ चलिए और फिर बाबा साहब अंबेडकर की बातों से हर किसी ने संविधान सभा के अंदर सभी लोगों ने सहमति जताई और अंततः यह निर्णय लिया गया कि भारतीय परिस्थितियों को सबसे ज्यादा अगर कोई संघात्मक स्वरूप शूट करता है तो वो यूनियन प्रकार का है और यही हमारे देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति बनी। आपको बताऊं, जब भारत का संविधान निर्मित हो रहा था तब वैश्विक स्तर पे यह इकलौता संविधान था जिसकी संविधान सभा फेडरल स्ट्रक्चर के यूनियन स्वरूप को अपने यहां परिभाषित कर रही थी, डिफाइन कर रही थी। हमने कनाडा से प्रेरणा तो ली, लेकिन कनाडा के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर है निसंदेह यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर ही है, उसकी तुलना में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यानी हमारा यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर बहुत हद तक अलग है। नियमित क्लासेस में जब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फिर भारतीय संविधान की प्रकृति का वैश्विक संविधानों की प्रकृति से जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम लोग बात करेंगे इंडियन फेडरलिज्म बनाम कैनेडियन फेडरलिज्म, है ना, इस तरह की बातें करेंगे हम लोग, भारतीय संघवाद बनाम अमेरिकी संघवाद। तो तमाम जो महत्वपूर्ण ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन पर बात करेंगे। एनीवे, तो ये तो आप समझ गए कि यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का स्वरूप कैसा होगा। यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत में पाया जाता है, जाहिर सी बात है केंद्र राज्यों की तुलना में मजबूत बने रहेंगे। क्लियर, इसके साथ कोई बदलाव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, केंद्र राज्यों की तुलना में मजबूत बने रहेंगे। हालांकि इसकी परिधि में तमाम सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात, राज्यों की या राज्यों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा, यहां राज्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा का तात्पर्य है राज्य कभी भी अपने को एक पृथक इकाई मानते हुए
खुद को केंद्र से अलग होने या केंद्र के साथ जुड़ने का दावेदारी पेश नहीं कर सकता। कोई राज्य ये नहीं कर सकता कि हम अब भारतीय संघ से अलग हो रहे हैं, और ऐसा नहीं कि भारतीय भूभाग का कोई हिस्सा कहे कि अब हम भारतीय संघ के अंदर एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इंडियन कहा जाता है कि इंडियन यूनियन इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स दैट इज स्टेट्स, यानी भारतीय संघ विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। राज्य कभी भी बांटे जा सकते हैं, छांटे जा सकते हैं, संघ पर इस तरह की चीजें लागू नहीं होती। संघ अक्षुण बना रहेगा, इंटैक्ट बना रहेगा, है ना। तीसरी बात यहां से समझ सकते हैं, भारत में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप यानी केंद्र राज्य संबंध किसी वैधानिकता की बुनियाद पर संचालित नहीं होगा। किसी वैधानिकता की बुनियाद पर संचालित नहीं होगा। तीसरा सर, हम लोगों ने ये दो फेसेट डिस्कस कर लिया अभी तक, भारतीय संघात्मक ढांचे का स्वरूप और भारतीय संघात्मक ढांचे के तहत केंद्र राज्य संबंधों की रूपरेखा। अगर सिंगल लाइन में केंद्र राज्य संबंधों की रूपरेखा आप जानना चाहें तो आप कह सकते हैं कि संबंधों में राज्य अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए केंद्र पर निर्भर रहेंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके ऊपर निर्भर है, आप उसकी निर्भरता को किस रूप में लेते हैं? जाहिर सी बात है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि सकारात्मक रूप से, यानी हमेशा उसकी जरूरतों को पूर्ण करने का आप प्रयास करेंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं इंडियन ब्रांड ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर जो है, भारत के अंदर व्याप्त जो संघीय ढांचा है, यह हमेशा केंद्र से अपेक्षा करता है कि वह राज्यों के प्रति सहकारी बने रहे, सहयोगात्मक बने रहे। इसलिए हम लोग इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बुनियाद पर तराशने का प्रयास करते हैं। यानी इंडियन फेडरलिज्म की जो सफलता है, ये कहीं ना कहीं इसके कोऑपरेटिव होने पर निर्भर करती है। यानी भारतीय संघात्मकता, भारतीय संघात्मकता की सफलता इसके सहकारी या फिर कह लीजिए सहयोगी स्वभाव पर निर्भर करेगी। और आपको बताऊं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा केंद्र सरकार से यह अपेक्षा करता है कि केंद्र सरकार राज्यों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाए, सहयोगात्मक रुख अपनाए, जिससे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद की अवधारणा को मजबूती मिल सके। तो सिंपल सी बात है, कोई भी राज्य व्यवस्था चाहेगी ना कि हम अधिक से अधिक सफल हो सके। और आपको मालूम है कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन फेडरलिज्म है, इसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? इसके सहकारी संघवाद होने पर निर्भर करती है। तो इतना तय हो गया कि हमारे देश की राज्य व्यवस्था के अंदर सहकारिता के भाव पर सदैव बल देने की बात की जाती है। और मेन पॉइंट यहां पर यही है, सहकारिता या सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद यह नहीं कहता कि सेंटर और स्टेट्स दोनों को बराबर की स्थिति में ला दे, नहीं। सहकारी संघवाद यह कहता है कि केंद्र राज्यों को, स्टेट्स को अधिक से अधिक सहयोग दे। सहयोग की डिग्री जितनी ज्यादा होगी, राज्यों की जरूरतें उतनी ही अच्छे से पूर्ण होगी, और इस तरह से हमारा
संघात्मक ढांचा सफलतापूर्वक संचालित होता रहेगा। संघात्मक ढांचा अपनी अच्छी स्थिति में दिखता रहेगा। सहयोग की डिग्री को बढ़ाने का मतलब यह कतई नहीं हुआ, ध्यान रखेंगे, यह कतई नहीं होगा कि राज्य केंद्र के समतुल्य आ जाए, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तमाम लोग यही मांग कर डालते हैं कि राज्यों को केंद्र के बराबर की शक्तियां दी जाए। बराबर की शक्तियां देंगे तो इसका क्या होगा, यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर का, वो तो बदला ही नहीं जा सकता। वो बदलने का मतलब कि संविधान की आधारभूत ढांचा बदलने जा रहे हैं। तो मूलतः बात, वाजिब मुद्दा क्या होना चाहिए कि किसी भी आपदाकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्यों के सामने जो चुनौतियां आती है, उन चुनौतियों को कैसे कमतर किया जाए, कैसे ठीक तरीके से राज्य उन चुनौतियों से निपट सके, यह सब कुछ सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को अधिक से अधिक सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए। अब देखिए, वर्तमान में अभी क्या बात चल रही है, इस कोरोना महामारी के दौर में भारत के तमाम राज्य केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी नीतियां हमारे ऊपर थोप रही है, कोविड 19 से निपटने के लिए हमें पूरी आजादी क्यों नहीं दी जा रही है। अब जैसे देखिए, 2005 में आपदा प्रबंधन कानून पारित किया गया, आपदा प्रबंधन कानून 2005, जिसको कहते हैं हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये दो तरह की बातें करता है, दो प्रमुख बातें, और मैं जिन बातों की चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं इन दिनों कोविड 19 से निपटने के दौरान केंद्र तथा राज्यों के मध्य इसके द्वारा कही गई बातों का अभाव पाया जा रहा है। यानी साफ साफ आप यूं कह लीजिए कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो कहता है, कहीं ना कहीं उसकी लाइन में, उसके कहे के अनुसार केंद्र सरकार नहीं चल रही है। अब जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के एक्ट का अगर सेक्शन 11 आप रेफर करेंगे, सेक्शन 11 क्या, सेक्शन 11(2) धारा 11 खंड 2 अगर आप रेफर करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि देश के अंदर जब कभी भी महामारी जैसी परिस्थितियां आए, निसंदेह उस समय केंद्र सरकार एक ब्रॉडर पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकती है, एक व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करेगी, लेकिन ध्यान रहे उस व्यापक नीतिगत ढांचा, व्यापक नीतिगत ढांचे का तात्पर्य है देशव्यापी ढांचा या देशव्यापी रोडमैप कह लीजिए, देशव्यापी पॉलिसी कह लीजिए, नीति कह लीजिए। उस राष्ट्रव्यापी नीति का सृजन करते समय राज्यों को विश्वास में लेना होगा, राज्यों को विश्वास में लिए बगैर उनके ऊपर अगर कोई बात आप थोपते हैं तो ये बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एसेंस के अगेंस्ट जाएगा, सहकारी संघवाद की जो अवधारणा है, जो उसका निहितार्थ है, उसके अगेंस्ट जाएगा। हाल के दिनों में कोविड 19 से निपटने के दौरान केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए तमाम कदम कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा के प्रतिकूल गया, लिहाजा ये चर्चा होने लगी कि राज्यों को अधिक से अधिक स्वायत्ता प्रदान किया जाए, अधिक से अधिक अधिकार दिया जाए, अधिक से अधिक स्वायत्ता प्रदान किया जाए या अधिकार दिया जाए, ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, बस क्या मांग नहीं होनी चाहिए कि राज्यों को केंद्र के बराबर शक्तिशाली बना दिया जाए, ये मांग कभी स्वीकारी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो ये हमारे राज्य व्यवस्था की प्रकृति के ही प्रतिकूल हो जाएगा, जो मुमकिन नहीं है। कभी भी भारतीय संघीय ढांचे को अमेरिका के संघात्मक ढांचे से आप तुलना नहीं कर सकते, दोनों में बहुत फर्क है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस संघीय ढांचे से हमने नकल की है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, भारतीय संघीय ढांचा कनाडियाई संघीय ढांचे से भी कई अवसरों पर, कई मुद्दों पर भिन्न है।
इसीलिए इसको बोला जाता है फेडरेशन सो जिनेरिस, मीन्स इंडियन फेडरेशन इज बेसिकली अ फेडरेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। भारतीय संघीय ढांचा अपने तरह का एक अनोखा संघीय ढांचा है जो विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। इस अनोखे संघीय ढांचे में हम बदलाव नहीं ला सकते। राज्यों की डिसकंटेंटमेंट को दूर करने के दूसरे उपाय भी हैं जो अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सहकारी संघवाद की अवधारणा। तो बेसिकली सहकारिता की बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि राज्यों को आरोप लगाने की छूट है, वो आरोप लगा सकते हैं। अभी अभी देखिए, हाल फिलहाल में मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि ये आपके अलग अलग जोन्स डिफाइन किए जा रहे थे, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। तो इसके लिए जो निर्देश थे वो बेसिकली केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किए गए थे, और केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर इश्यू किया कि ठीक है जी, आप रेड जोन में इन इन क्षेत्रों को रखेंगे। अब जाहिर सी बात है, कोविड 19 की केसेस के आधार पर जिस इलाके में ज्यादा केसेस मिल गई उसको रेड जोन, पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड जोन, जिसमें थोड़े कम है ऑरेंज जोन, जिस इलाके में कोई भी कोविड केस नहीं है उसको ग्रीन जोन में रख दिया गया, और उसी के अकॉर्डिंग पूरे देश पर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लागू कर दिया गया। जो राज्यों के लिए बाध्यकारी था आपको उसे फॉलो करना है। अब राज्यों को थोड़ी आपत्ति हुई कि इस मामले में हमें आप छूट दीजिए, हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार, लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि रेड जोन का क्या एक्सटेंट होगा, ऑरेंज जोन की क्या एक्सटेंट होगी। इन तमाम बातों को लेकर राज्यों ने विरोध जताया, लेकिन चूंकि आप नकार नहीं सकते केंद्र की बातें। हालांकि लोगों ने यह भी प्रश्न लगाया कि केंद्र सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को भी कहीं ना कहीं डिसोबे कर रही है। डिजास्टर, जाहिर सी बात है, यह तो आपदाकालिक परिस्थिति ही है ना, और आपदाकालिक परिस्थितियों के दौरान किस तरीके से पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएं, कैसे उनको अमली जमा पहनाया जाए, इसकी बात डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में की गई है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई है। और इसमें हर मुद्दे पर एक बात जरूर दोहराई गई है कि केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन के दरमियान या आपदा प्रबंधन के संदर्भ में अगर कोई भी नीतिगत फैसला लेती है, कोई भी ब्रॉडर पॉलिसी फ्रेमवर्क डिजाइन करती है, राज्यों का विश्वास जरूर लेगी, राज्यों की कंसेंट जरूर लेगी, उनको विश्वास में लेते हुए ही देशव्यापी पॉलिसी फ्रेमवर्क डिजाइन किया जा सकेगा। और यहां पर आप देखें कि टुकड़ों टुकड़ों में केंद्र सरकार ने कई सारी, एक तरह से कह सकते हैं, टेम्पोरारी पॉलिसी डिसीजंस लिए कि थोड़े दिन के लिए अमुक पॉलिसी, उसके बाद फिर दूसरी, जिसको आप कह सकते हैं एडहॉक पॉलिसी, तदर्थ नीतिगत फैसले। ये कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो मूल अवधारणा है इसके प्रतिकूल है, इसलिए भी केंद्र सरकार की आलोचना हो रही है। हालांकि कोविड 19 के दौर में केंद्र सरकार के कई मौकों पर जो प्रयास हैं वो बड़े सराहनीय हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली भारतीय संघीय ढांचे के आलोक में ये बातें कर रहे हैं, इसलिए चुन चुन के मेरिट और डिमेरिट दोनों ही पक्षों पे हम लोग बात कर रहे हैं। राज्यों का यह भी आरोप लगा, या राज्यों ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र के कुछ एक डिसीजन हमारे लिए बेहद नुकसानदायक साबित हुए। आपको एक बात मालूम होना चाहिए, हमारे यहां जो राज्य सरकारें हैं उनकी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोल और शराब है ना, लीकर एंड पेट्रोल। इम्यूनिटी बूस्टअप करने के चक्कर में पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दी गई थी लॉकडाउन के दौरान, हालांकि बाद में खोल दिया गया, अभी शायद खुला ही होगा। इससे राज्यों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी आय का एक बड़ा स्रोत शराब बिक्री से आता है, उस पर जो टैक्स है। इसके अलावा चूंकि लॉकडाउन में सब लोग घर में, गाड़ियों का निकलना वर्जित था, तो डीजल पेट्रोल का काम भी ठप पड़ गया, इनकी बिक्री ठप पड़ गई। तो इस तरह से राज्य सरकारों का कहना है कि हमें बड़ा नुकसान हुआ, केंद्र सरकार को कोई सटीक नीतिगत फैसला लेना चाहिए था इस मामले में,
उन्होंने अपने फैसले से हमें नुकसान पहुंचा दिया। अब हम अपने सरकारी कर्मचारियों को, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, या फिर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, उसका खर्च कैसे वहन करेंगे? तो आर्थिक नुकसान में आ गई राज्य सरकारें, इससे तमाम तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाधित होंगे। तो इन तमाम बातों के आलोक में कहीं ना कहीं राज्य सरकारों द्वारा या राज्यों द्वारा केंद्र सरकार के रुख पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। भारतीय संघात्मकता को कोसा जा रहा है कि यह संघात्मकता ऐसी है जो केंद्र को बहुत ज्यादा मजबूत बना देती है, राज्यों को कहीं का नहीं छोड़ती। आभास इसका तब होता है जब हम किसी महामारी जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती। आवश्यकता के समय में ही हकीकत का आभास होता है, या फिर आप यूं कह लीजिए कि विपदा के समय में ही हकीकत का आभास होता है। सब कुछ नॉर्मल हो तब आप नहीं देखते होंगे कि कोई राज्य केंद्र पर या भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप पर आक्षेप लगाए या आरोप लगाए। प्रधानमंत्री राहत कोष को लेकर भी तमाम तरह की बातें चल रही है। अब इसमें यह बोला गया कि चलो भाई, प्रधानमंत्री राहत कोष में कहीं ना कहीं पैसा जमा करने का, या फिर आप दूसरे अर्थों में यूं कह लीजिए कि प्रधानमंत्री राहत कोष को मुख्यमंत्री राहत कोष की तुलना में बहुत ज्यादा वरीयता दी जा रही है। यहां पर कुछ ऐसी नीतियां बना दी गई है जिससे लोग मुख्यमंत्री राहत कोष में डोनेट करना नहीं चाहते। अधिक से अधिक लोग प्रधानमंत्री राहत कोष में डोनेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो कॉरपोरेशंस, कंपनीज, निगम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करेंगे, उनको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ रियायतें दी जाएंगी। लेकिन अगर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ रहे हैं ना, CSR, हाँ, कॉरपोरेट साझा दायित्व, तो अगर मुख्यमंत्री राहत कोष में आप डोनेशन करते हैं या पैसा जमा करते हैं, इस महामारी से निपटने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो CSR के तहत कोई छूट नहीं मिलनी है। तो ऐसे में नहीं लगता कि मुख्यमंत्री राहत कोष को हतोत्साहित किया गया है और प्रधानमंत्री राहत कोष को प्रोत्साहित किया गया है। तो ये सब तमाम ऐसे अवसर हैं, तमाम ऐसे वाकये हैं जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि इस कोविड महामारी के दौर में केंद्र सरकार का प्रयास सराहनीय हो सकता है, लेकिन बहुत सराहनीय नहीं है। इसे हम और बेहतर कर सकते थे, राज्यों को थोड़ी छूट देकर, राज्यों के प्रति अत्यधिक सहकारी भाव अपनाते हुए, सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए, है ना। तो हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बातों को भी देख लिया। सामान्य रूप से मोटे तौर पे, जैसा मैंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार कोई भी नीतिगत फैसला लेगी, उसमें राज्यों की सहमति जरूर लेगी। तो मूल रूप से यही कहता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। हालांकि यहां दो चीजें देखी गई कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बातों को लेकर केंद्र ने कोई विशेष संजीदगी नहीं दिखाई, कहने का मतलब कि इसे उपेक्षित ही किया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 यह भी कहता है कि इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए, इस तरह की महामारी टाइप परिस्थितियों से निपटने के लिए एक ब्रॉडर नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए राज्यों की सहमति से। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया, ब्रॉडर पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बनाया, व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार नहीं किया, बल्कि टुकड़े टुकड़े में तदर्थ प्रकार की पॉलिसी डिसीजंस ली, एडॉक पॉलिसी डिसीजंस। एडॉक समझ रहे हैं ना, सामान्य भाषा में कह लीजिए टेम्पररी, एडॉक पॉलिसी डिसीजंस, तदर्थ नीतिगत फैसले जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में कही गई बातों के प्रतिकूल है। तो इन आधारों पर आप आलोचना कर सकते हैं केंद्र सरकार की। कोविड-19 के दौर में राज्यों द्वारा संघीय ढांचे के तहत अधिक स्वायत्तता की मांग। यहां अधिक स्वायत्तता कैसे मिलेगी, कहने का मतलब कि हम इस महामारी से निपटने के लिए अपने स्तर पर अधिक से अधिक प्रयास कर सके, ऐसा तभी करेंगे जब केंद्र सरकार हमें कुछ छूट देगी, केंद्र सरकार हमें अधिक से अधिक सहयोग देगी। अधिक से अधिक अगर सहयोग मिलता है तो तय मानिए
अपने स्तर पे राज्य सक्षम हो सकेंगे बेहतर तरीके से इस महामारी से निपटने के लिए। तो ये मूलतः कोविड 19 एंड इंडियन फेडरलिज्म के कंटेक्स्ट में हमारी आज की परिचर्चा रही है ना। इसे हम लोगों ने दिए हुए कुल चार अलग अलग मुद्दों के आधार पर समझने का प्रयास किया। पहला मुद्दा रहा भारतीय संघात्मक ढांचे का स्वरूप हमने समझा, दूसरा भारतीय संघात्मक ढांचे के तहत केंद्र राज्य संबंधों की रूपरेखा हमने देखी कि संविधान के तहत इसकी क्या हकीकत है, तीसरी बात आपदाकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए है ना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या कहता है, वर्तमान संदर्भ में सरकारों ने इसका किस तरीके से अनुपालन किया यह हमने देखा, और फिर कोविड 19 के दौर में राज्यों द्वारा संघीय ढांचे के तहत अधिक से अधिक स्वायत्तता की मांग क्यों की जा रही है। इसलिए एक बार समाप्त कर देता हूं, इसलिए मांग की जा रही है कि राज्य अपने स्तर पर सक्षमता के साथ इस महामारी से निपटने में सफल हो सके, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र राज्यों को सहयोग दे ही नहीं रहा है, दे रहा है, लेकिन राज्यों का मानना है कि केंद्र द्वारा जो वर्तमान में सहयोग दिया जा रहा है ये नाकाफी है, काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, और अधिक सहयोग मिलने चाहिए। आए दिन अब सुनते थे, पता चला बिहार सरकार कुछ और कह रही है कि हमारे यहाँ पीपीई किट्स की बहुत कमी है। अब तो खैर सप्लाई बढ़ गई है, लेकिन शुरुआती दौर में आप देख लीजिए, मार्च अप्रैल में तो बिल्कुल है तौबा मचा था, राज्यों की डिमांड का 1/10 भी फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो ये सब तमाम पहलू है। अब मैं आशा करता हूं कि कोविड 19 तथा इंडियन फेडरलिज्म के सापेक्ष है ना जो कुछ भी ज्वलंत संदर्भ है आप समझ चुके होंगे, साथ ही साथ इसका स्टैटिक आस्पेक्ट क्या है, संविधान के तहत इसको लेकर क्या कुछ प्रावधान है, संघात्मक ढांचे को लेकर यह भी आप समझ चुके होंगे। तो आज की परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।